नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमें चंद्रयान 3 से संबंधित ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आपको आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर एक, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को LVM3 M4 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन है सही होगा, और LVM3 M4 रॉकेट का दूसरा नाम है बाहुबली। तो याद रहे, रॉकेट का नाम दूसरा क्या है? बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शन ए ऑर्बिटर, ऑप्शन बी लैंडर, ऑप्शन सी रोवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑर्बिटर है चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था, और चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को। उसका ऑर्बिटर वर्तमान समय में भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो यहां पर ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का काम लिया जाएगा। इसलिए याद रहे कि चंद्रयान 3 अभियान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। तो इसके साथ कौन कौन से भेजा गया? एक तो लैंडर भेजा गया और एक रोवर भेजा गया। जो चंद्रयान 2 गया था उसके साथ तीनों थे, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, लेकिन चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन आपको दिया हुआ है, चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा, कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार है, आपको दिया हुआ है, चंद्रयान 3 किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच आपको दिया हुआ है, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? यानी जो अपना चंद्रयान 3 भेजा गया है, इसको कहां पर लैंड कराया जाएगा? तो इसको चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। तो ये अगर सही तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है तो यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ये पहला देश भारत बन जाएगा जो कोई चंद्रयान भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए के सिवान, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, जिनके फोटो दी हुई है, और ये चंद्रयान 3 का फोटो दिया हुआ है इधर। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ आपको दिया हुआ है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? तो जो चंद्रयान 3 भेजा गया है उसके लैंडर का नाम क्या है?
विक्रम है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया, रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। और लैंडर का नाम क्या रखा गया था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या रखा गया, प्रज्ञान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, तो इंजनों की संख्या है 4 है, तो यहां पर आपका ऑप्शन द सही होगा। जब चंद्रयान 3 भेजा गया था, सॉरी चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो उस समय लैंडर में कितने थ्रॉटल इंजन थे, 5 थे, लेकिन यहां पर एक इंजन कम कर दिया गया और इंजनों की संख्या कितनी हो गई है, 4 रह गई, और सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका जो लैंडर था वो करे, उसकी गति बढ़ गई थी 2 किलोमीटर पहले से, इस कारण वो क्रेश हो गया था, गति को नियंत्रण नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए इसे गति को नियंत्रण करने के लिए उसको थोड़ा आधुनिक तरीके से और डेवलप करके, और उसमें इंजनों की संख्या कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई 5। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डीएस बिल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइबर जरूर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उसमें अपन बात करेंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से कक्षा के ऑर्बिटरों को क्रॉस करेगा, वो पूरी संपूर्ण डिटेल किस प्रकार से उसमें ऐसे 200 बूस्टर रॉकेट लगे हैं, वो उनके कार्य के बारे में, और L110 है उसके बारे में बात करेंगे, क्रायो इंजन C25 है उसके बारे में करेंगे, जो भी संपूर्ण ऑर्बिटर है, रोवर है, उसकी संपूर्ण प्रोसेस को अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।